वेलकम ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में दो टेक्निकल कॉल्स के बारे में चर्चा करेंगे। शिफ्ट ये टेक्निकल स्टडी रहेगी तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, फंडामेंटल स्टडी हम नहीं कर रहे हैं तो। और मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से वॉल्यूम के साथ जो बाइंग आई है वो स्कैनर में मेरा आया है। बाकी यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने एडवाइज़र की सलाह लें, अपने रिस्क को भी ध्यान में रखें। तो दो स्टॉक की बात करेंगे, सूर्या रोशनी का स्टॉक 595 पर क्लोज हुआ है। आज का दिन का ओपन 565 पे ओपन हुआ है, लो देखते जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे लो है 564, हाई 612 पर है, 595 पे क्लोज हुआ है, यानी थोड़ा हाई साइड पर ही क्लोज हुआ है। और वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम 1 मिलियन से ज़्यादा है। अगर आप पिछले 3 महीने के वॉल्यूम देखेंगे, मैं वीडियो को लंबा नहीं बना रहा हूँ इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसमें 300-400 के आसपास का वॉल्यूम हो रहा था, अभी इसमें 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 3 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ और इसीलिए मेरा ये स्कैनर में आया है। तो अब इसमें टेक्निकल में जाके 1 आवर के 20 EM है और डेली के 20 EM में देख लेते। तो 1 आवर के 20 EM में जो है वो 579 पे है, तो आप 1 आवर 20 EM में स्टॉप लॉस राइड कर सकते हो। दिन के आखिर में अगर ये 1 आवर 20 EM के नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको निकल जाना है, ये पहला स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैं 2-3 तरह के स्टॉप लॉस की बात करता हूँ, वो आप अपने रिस्क के हिसाब से रख सकते हो। अब डेली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज देख लेते हैं। अभी डेली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज 558 पर है, तो उसका आप क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, और या तो आज के दिन का लो भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। आज के दिन का लो 564 है, तो इन तीनों में से आप जो भी स्टॉप लॉस रखना चाहो वो अपने हिसाब से रख सकते हो। और टारगेट इसमें 10% का आपको टारगेट मिल सकता है। अभी 595 पे है तो 650 के ऊपर का टारगेट आपको मिल सकता है, और हो सकता है ज़्यादा टारगेट की मिल जाए। तो ये एक बार जब टारगेट हो जाता है तो उसके बाद आप उसी दिन का लो स्टॉप लॉस वगैरह कुछ राइड कर सकते हो, ठीक है। तो रिक्स को अपने हिसाब से ध्यान में रख के 3 स्टॉप लॉस में से जो कोई भी एक स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के बाय कर सकते हो। और कोई हम डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई भी एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। दूसरा स्टॉक जो है 1 पॉइंट, उसकी बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है छोटा 54.5 पर चल रहा है, उसका ओपन देख लो। 52 के आसपास ओपन हुआ था, तो थोड़ा नीचे गया 2% जितना, 51.3 के आसपास, और हाई देखते हैं। हाई 54.9 पे हाई गया और क्लोज 54.5 यानी हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी अच्छा हुआ है, 1.5 मिलियन के आसपास वॉल्यूम लग रहा है। ये वॉल्यूम भी पिछले वॉल्यूम जो हो रहे थे उससे 3 गुना वॉल्यूम है, इसीलिए मेरे स्कैनर में आया है। तो इसमें भी टेक्निकल में देख लेते हैं, 1 आवर की 20 EM है और डेली चार्ट की 20 EM। इसमें 20 मूविंग एवरेज 21.89 पे क्यों दिखा रहा है वो मुझे पता नहीं। डेली चार्ट के 20 मूविंग एवरेज देख लेते हैं, तो डेली के 20, डेली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज जो है 53 के आसपास।
53.5 है, तो इसका क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस राइड कर सकते हो, या आज के दिन का लो जो लो है डेली चार्ट में अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपको क्लोजिंग बेसिस 3:15 के ऊपर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो निकल जाना है, या दोनों स्टॉप में आप आज के दिन का लो ही स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसमें 51 का 1 पॉइंट स्टॉक में 51 का लो है और सूर्या रोशनी में 564 का लो है, दोनों में आप 10% प्लस का टारगेट लगा सकते हो। तो ये टेक्निकल कॉल है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। थैंक यू फ्रेंड्स।